आज के इस वीडियो में मैं चार ऐसे रूल्स बताऊंगा जिससे आप डिसिप्लिन और एक हार्ड वर्किंग इंसान बन सकते हो। फोन चलाकर पूरा दिन वेस्ट करने के बाद की इस एम्प्टीनेस और रिग्रेट की फीलिंग को इतनी जल्दी मत भुला दिया करो। इसको पूरी तरह से सोख लो, इतना सोख लो कि जब भी अगली बार इन चीप प्लेजर में इंडल्ज करने का मन करे उसी टाइम इस खराब फीलिंग का फ्लैशबैक आपको आ जाए कि नहीं यार, ये करने से ये हो जाता है और ये लाइफ की सबसे खराब चीज है। मैं केवल मोबाइल चलाने की बात नहीं कर रहा, मैं और भी बहुत कुछ कह रहा हूँ, जैसे मास्टरबेट करना, नशा करना, जरूरत से ज्यादा समय तक अपने दोस्तों के साथ घूमना या फिर और भी गलत काम जिसे करने के बाद आपको एम्प्टीनेस और रिग्रेट की फीलिंग आती हो। तो ये जो उनमें से किसी को करने से जो आपको बैड फीलिंग होती है ना, उसको अपने अंदर ऐसे बसा लो कि वो आपको जिंदगी भर याद रहे, ताकि अगली बार अगर आप उनमें से कोई भी गलत काम करने जाओ तो उसका रिजल्ट यानी उसका फ्लैशबैक आपको दिखाई दे, और वो फ्लैशबैक दिखाई देने के चलते आप उस बैड हैबिट को करने से पहले वहीं पर छोड़ दो। नंबर टू, अपने दिन में एटलीस्ट एक प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे एक्शन मोटिवेशन लूप स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम कोई टास्क फिनिश करते हैं तो हम अपने बारे में अच्छा फील करते हैं और हमारे अंदर और मोटिवेशन आती है कि हम अपने बाकी टास्क को भी पूरा कर ले। नंबर थ्री, हम अपने काम से इतना डिस्ट्रैक्टेड इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें अपने काम से कोई प्यार नहीं है। हम अपने काम को एक जरिए की तरह देखते हैं जिससे हम फ्यूचर में सुख हासिल कर सके। तो आपका माइंड ये कहता है कि सुख तो अभी मुझे फोन चलाकर भी मिल जाएगा, तो बात का वेट कौन करेगा। इसलिए लाइफ में ऐसे काम को चुनो जो आपके लिए इतने मीनिंगफुल हो कि छोटे मोटे प्लेजर उनके सामने फीके पड़ जाए। नंबर फोर, हार्ड वर्क करना एक हैबिट है। अगर आप अपने डेली के गोल्स पूरा करते चलोगे तो थोड़े टाइम बाद आपको अपने काम को कंप्लीट करने की आदत हो जाती है। ऐसे लोग आपने देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अगर आप उनसे बात करो तो उनको पता भी नहीं चलता कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कंसिस्टेंटली काम करना नॉर्मल सी बात हो जाती है। ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने बताया, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेशन होके आपके लिए वीडियो ला सकूं।